नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए योगेंद्र यादव को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब इस फैसले पर योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा के इस फैसले को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये जरूरी नहीं कि आंदोलन में किसी एक की राय से हर कोई सहमत हो। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद लिए गए अपने फैसले को सही ठहराते हुए योगेंद्र यादव ने इसे इंसानियत बताया। अपने एक ट्वीट में बयान जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का सम्मान करता हूं और इस प्रक्रिया के तहत दी गई सजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। किसान आंदोलन देश के लिए आशा की एक किरण बनकर आई है। इसकी एकता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बनाए रखना आज के वक्त में सबसे बड़ी ज़रूरत है। अपने बयान में यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी में चार शहीद किसानों और एक पत्रकार की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद मैं उसी घटना में शहीद हुए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गया। उनके सम्मान में नहीं बल्कि उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए गया था। किसी के विरोधियों के दुख में हिस्सा लेना मानवता और भारतीय संस्कृति का अनुरूप है। ये मेरी समझ है कि कोई भी आंदोलन इससे कमज़ोर नहीं होता बल्कि मानवीय भावनाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति से मजबूत होता है। स्वराज इंडिया के प्रमुख ने आगे कहा कि किसी भी आंदोलन में सामूहिक राय व्यक्तिगत समझ से ऊपर होती है। मुझे खेद है कि मैंने ये फैसला लेने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे साथियों से बात नहीं की। मुझे इस बात का भी दुख और खेद है कि इस खबर ने किसान आंदोलन से जुड़े कई साथियों को आहत किया है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का सम्मान करता हूं और इस प्रक्रिया के तहत लगाई गई सजा को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के लिए पहले से कहीं ज़्यादा लगन से काम करना जारी रखूंगा। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।